श्रीमद् भगवत गीता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश महाभारत युद्ध आरंभ होने के ठीक पहले दिए, वही श्रीमद् भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है। श्रीमद् भगवत गीता में कुल 18 अध्याय और श्लोकों की संख्या 700 है। यह ग्रंथ उच्च चारित्रिक शिक्षाओं से परिपूर्ण है। मिसाल के तौर पर अध्याय 16 श्लोक 6 में कहा गया है, दो भूत सर्गौ लोके अस्मिन् दयु आसुर एव च, अर्थात इस लोक में जीव की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है। एक तो दैवी प्रकृति वाला यानी मनुष्यों का वह वर्ग जिसमें दया, करुणा, न्याय, निष्पक्षता और प्रेम जैसे गुण पाए जाते हैं। दूसरा आसुरी प्रकृति वाला यानी आचरण विहीन दुष्ट लोगों का। अध्याय 12 मंत्र 13 में कहा गया है, जो लोगों की भलाई का कार्य करते हैं और मानव जाति से प्रेम करते हैं, उन्हीं से ईश्वर प्रेम रखता है और उन्हीं की भक्ति ईश्वर को प्रिय है। कहा गया, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकारः सम दुख सुख क्षमी। अर्थात हे अर्जुन, मैं उन भक्तों को प्यार करता हूँ जो कभी किसी से द्वेष भाव नहीं रखते, सब जीवों के साथ मित्रवत और दयालुता का व्यवहार करते हैं, ममता रहित, अहंकार शून्य, सुख दुख में एक समान रहने वाला और सब जीवों के अपराधों को माफ करने वाला हो। इन धार्मिक शिक्षाओं के प्रकाश में हमें विचार और चिंतन मनन करना चाहिए और अपने आचरण का सुधार करना चाहिए। यदि हम ईश्वर की प्रसन्नता चाहते हैं और सदाचारी वर्ग में आना चाहते हैं, तो हमें अपने अंदर से दुष्टता के अंश का परित्याग करना होगा। आखिरी ईश्वरीय ग्रंथ कुरान में सूरा 5 आयत 93 में कहा गया है, ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين। ईश्वर पर दृढ़ आस्था के साथ अडिग रहें, अच्छे कर्म करते रहें, जिस चीज से रोका गया है रुके रहें, ईश्वरीय आदेश को मानें, ईश परायणता के साथ उपकार की नीति अपनाएं, तो ईश्वर ऐसे सुचरित्र लोगों से बहुत प्रेम करता है।